जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ और नए प्रोजेक्ट के संदर्भ में है। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कानपुर रोड से लेके आईएम रोड तक, बीच में आपका के किसान पथ हो या शहीद पथ हो, इन सब के ऊपर कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनके ऊपर आप अपना माइंड बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारे एलडीए अप्रूव प्लॉट्स के जो है प्रोजेक्ट हैं उनको मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कानपुर रोड से। तो कानपुर रोड के ऊपर फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो एलडीए अप्रूव्ड आ रहा हो या आने वाला हो। ड्यू टू एयरपोर्ट के आसपास का जो दायरा आता है उसके चक्कर में शायद वहाँ कोई और बस आउट पहले से बस चुकी है, तो कोई जो है नया प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है आते हुए। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो बिजनौर रोड है। बिजनौर रोड पर आपका लाला जुगल किशोर का लावास्तो के नाम से जो है प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल प्लॉट्स का, उसमें आप अपना मन बना सकते हैं। बढ़िया प्रोजेक्ट है और एक बढ़िया लोकेशन पे है और वहीं बगल में लिको एम्पीरिया है, तो ये प्रोजेक्ट ये आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रायबरेली रोड पड़ता है। रायबरेली रोड पर मोहनलालगंज में आपका कोणार्क सन सिटी का प्रोजेक्ट है जो एलडी रेरा अप्रूव हो चुका है, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और डेलम गार्डन सिटी के सामने से एक रोड आता है अंदर अटालिका के नाम से, एक आपका प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है 3,3200 के रेंज में सारे प्लॉट्स हैं इसमें। और उसके आगे बढ़ेंगे तो आपका शहीद पथ के ऊपर आपका अंसल के अंदर में दो प्रोजेक्ट मोस्ट अवेटेड हैं अभी आज के समय पे। एक तो अभी पैराडॉक्स इसका पारदोस का इनक्लेव के नाम से प्रोजेक्ट था जो समापन के करीब में है, दो चार प्लॉट बचे हुए हैं। तो ये उसके अलावा पारदोस कंपनी का पैरामाउंट के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो सेक्टर A4 के जस्ट बगल में है, 18.5 एकड़ का लैंड पैच है और मे भी वो दिसंबर से जनवरी के बीच में उसकी लॉन्चिंग डेट है, तो आप उसके ऊपर भी अपना मन बना सकते हैं। और रिसिता वालों ने सेक्टर H में कुछ प्लॉट्स लिया है, उनका भी डेवलपमेंट चल रहा है, देखिए कब तक वो जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो भी लॉन्च होगा। तो एक अगेन मेरा सुशांत गोल सिटी के अंदर में दो LDA अप्रूव टाउनशिप जो है आने वाले 6-8 महीनों के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो सुल्तानपुर रोड आता है। सुल्तानपुर रोड पर आपका अमरावती IT सिटी का मिड टाउन के नाम से प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ है और समापन के करीब में पहुंच रहा है। और अमरावती IT सिटी के में ही आपका उनका फेज 2 और फेज 3 जो है उसका LDA हो चुका है, रेरा आना बाकी है, उसके बाद में उसकी भी लॉन्चिंग है, तो आप उसके ऊपर भी अपना मन बना सकते हैं। और IT सिटी में कुछ प्लॉट्स बचे हुए हैं, उसके लिए भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर सेम ग्रुप का पिंटल पार्क सिटी है। पिंटल पार्क सिटी फेज 1 फेज 2 इनका लॉन्च हो चुका है, फेज 1 पूरा कम्प्लीट हो चुका है और फेज 2 बन रहा है, और फेज 3 जो है इनका पिंटेल IT सिटी का लॉन्च होने जा रहा है। LDA हो चुका है, रेरा में सबमिट हुआ है, 1-2 महीने में मे बी वो लॉन्च होगा, तो आप उसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये थोड़ा प्रीमियम प्लॉट्स हैं जो 5,000 के आसपास में रीच करते हैं तो पर स्क्वायर फीट, तो ये भी देख सकते हैं। और जो पिंटेल पार्क सिटी का फेज 3 है, इसका जो लोकेशन जहाँ पे स्टे कर रहा है वो फेज 1 से भी पहले है, तो लोकेशन वाइज देखने के लिए जाएंगे तो पिंटेल पार्क सिटी फेज 1 से भी पहले फेज 3 पड़ेगा, तो इस वजह से उसकी प्राइसिंग भी उससे सिमिलर ही रहेगी और लोकेशन भी मच बेटर रहेगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपका कैलाशा फेज 2 आ रहा है जो इंदिरा कनाल के ऊपर पड़ेगा, वो भी आपके सुल्तानपुर रोड से फैजाबाद रोड की तरफ आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 3,000 से 3,500 के बीच में एक बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च होने की तैयारी में आ रहा है, अगले में भी मान चलो कि 4-5 महीने के अंदर में लॉन्च होगा। और हम अभी से बताना सिर्फ की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बनता है फिर जाता है फिर मतलब थोड़ा समय लगता है कि वायरल होने में कभी कभी, तो इस वजह से जो है थोड़ा ड्यूरेशन हमने 6 महीने तक का लिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संस्कार नगरम के नाम से प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी जमीन एक्वायर्ड है और LDA में चली गई हुई है, फिर फाइनल स्टेज पे है इसका LDA होना, तो 12+22 एकड़ का ये भी लैंड पे 32 एकड़ के आसपास में एक्वायर किया हुआ है, 100-200 एकड़ की इनकी प्लानिंग है, तो आप इसमें भी अपना अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अपना मन बना सकते हैं, तो एक भी बढ़िया अच्छा ऑप्शन होगा। विकास विहार फेज 1 ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, सारे प्रोजेक्ट जो थे इनके प्लॉट्स जो थे खत्म हो चुके हैं और विकास विहार फेज 2 अपकमिंग विद इन 6 मंथ में जमीन एक्वायर कर लिया है, लीगल का इनका कार्यक्रम चालू है, तो उसके बाद उसमें भी आपको कुछ फेज 2 में प्लॉट्स मिल जाएंगे आपके लिए, तो उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसान पथ के ऊपर कामनी इनक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो किसान पथ और जो है एक आपका
चिन्हट से रोड जाता है उसके ऊपर स्टे कर रहा है तो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि चिन्हट से 5-6 किलोमीटर का उसका प्रोजेक्ट का डिस्टेंस पड़ता है। तो वो भी जल्दी अप्रूव प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उसमें भी आप अपने लिए मन बना सकते हैं। 3,000-3,200 के रेंज में वो आता है। उसके अलावा फैजाबाद रोड पे फिर स्प्रिंग वालों का एक प्रोजेक्ट अपकमिंग है 50-60 प्लॉट के बीच में, आप उसके लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो अयोध्या और के तरफ के, हाँ, या अयोध्या रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप ये भी अपना मन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देवा रोड पे आपका IFL डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, काफ़ी समय से अपकमिंग है ये, तो जिस दिन इसका LDA हो गया उसके बाद लॉन्चिंग की तैयारी होगी, तो ये भी अगले विदिन 6 मंथ में भी लोग देख सोच रहे हैं कि शायद ये भी लॉन्च हो जाएगा, तो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। एक बड़ा डेवलपर है, अच्छा अनुभव है इनका, और इनका एक रेसिडेंशियल फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था जो CG सिटी में था, मेरी नॉलेज में बहुत बढ़िया उसने जो है लोगों को ग्रोथ रेट दिया है, लगभग 45-50 लाख रुपए में 2 BHK एक समय में आता था, आज 75+ हो चुका है, 75-80 लाख रुपए ट्रेंड कर रहा है 2 BHK, तो एक उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि देवा रोड का भी इनका प्रोजेक्ट है तो जो बढ़िया ग्रोथ दे के जाएगा। उसके अलावा IM रोड पे फिर अगेन एक प्रोजेक्ट है जो आपका स्प्रिंग ग्रुप का ही है, वो भी प्लॉट्स लेके आए हुए हैं, आ रहे हैं, और जो LDA में सबमिट हो चुका है, LDA होना और एरा होना बाकी है, बाकी ज़मीन उनकी एक्वायर हो चुकी है। जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो नए अपकमिंग आ रहे हैं लखनऊ किसान पर सुल्तानपुर रोड के ऊपर जो बनने वाले हैं या बन रहे हैं, उनको बताने की एक छोटी सी जानकारी देने की हमारी कोशिश थी, और साथ में आप लोगों से जरूर अनुरोध रहेगा हर बार की तरह कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए कुछ नई नई जो है वीडियोस बनाते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किसी भी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने बताया हुआ है उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट में कोई जानकारी चाहिए, आप हमने साथ में नंबर दिया हुआ है उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारा ब्रीफ करेंगे। और हमारा रियल इस्टेट का ऑफिस है सुशांत गोल्फ सिटी में ही है, और आप हमसे कभी मिलना चाहें मिल सकते हैं, और जो भी रिसेल हो या फ्रेश में जो भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल होगी, अगर आप उस पर कुछ आपका रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है तो हम उसको ज़रूर आपके साथ में डन करने की कोशिश कराएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू for watching this video.